अक्सर हमें समुद्र के नीचे आए दिन ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिन पर हमारा विश्वास करना असंभव सा आन पड़ता है। इसी तरह अभी हाल ही में हमें समुद्र के नीचे एक 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। हजारों साल पहले इजिप्ट को मंदिर के देश के नाम से जाना जाता था, भले ही अब वो एक मुस्लिम देश है। यहाँ पर ऐसी कलाकृतियाँ समय समय पर खुदाई के वक्त मिलती हैं। अभी हाल ही में इजिप्ट के शहर हेराक्लियोन में एक 1200 साल पुराना मंदिर मिला है, जिसको देखकर सिर्फ लोग बाग ही नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग भी हैरान है। इतना ही नहीं, समुद्र में 1200 साल पुराने मंदिर के साथ साथ भारी मात्रा में तांबे के सिक्के और ज्वेलरी भी मिली है, और यहाँ पर कई पिलर्स भी खोजे गए हैं। इस मंदिर की खोज स्कैनिंग डिवाइस की मदद से की गई है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि उसी इजिप्ट का अटलांटिस क्षेत्र माना जाता है, जिस हिस्से में ये मंदिर खोजा गया है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि जो मंदिर के पार्ट्स मिले हैं, उसे ग्रीक मंदिर बताया गया है। जो बर्तन और मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, उनको तीसरी या चौथी शताब्दी का बताया गया है। जो सिक्के मिले हैं, उनको राजा कलाडियस टॉलमी के शासनकाल का कहा जा रहा है। ऐसा भी बताया गया है कि ये मंदिर काफी दूर तक बना हुआ था। पुरातत्व विभागों का कहना है कि सुनामी आने की वजह से ये पूरा इलाका तबाह हो गया था। पुरातत्व विभाग डॉक्टर फ्रैंक गोडियो के अनुसार इस जगह पर करीब 12 साल पहले फ्रेंच के युद्धपोत भी पाए गए थे, जो 18वीं शताब्दी के थे। डॉक्टर गोडियो के मुताबिक करीब 4 साल पहले की मेहनत के बाद 1200 साल पुराने मंदिर का पता लगाया गया है। समुद्र की गहराई में पाए गए इस विशाल खजाने में कई प्राचीन सिप, क्रॉकरी, सिक्के और गहनों से भरे बर्तन भी मिले हैं। पिछले 15 सालों में यहाँ समुद्र से गोताखोरों ने 64 प्राचीन नाव, सोने के सिक्कों का खजाना, 16 फीट ऊंची मूर्तियाँ और विशाल मंदिर के अवशेषों को खोजा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।